हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके प्रयोगशाला एग्जाम के रसायन शास्त्र टॉपिक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होगी, क्या होगी? देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 90 किलोग्राम पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है। क्या होता है, जैसे पानी का H2O, पानी H2O का अणुभार क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन खोजा गया एक, और कितने ऑक्सीजन के परमाणु है? दो, 1 × 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? उसका होता है 16। टोटल कितने हो जाएंगे अणुभार? पानी का अणुभार हो जाएगा टोटल 18। ओके, अब देखेंगे, इस मान लेते हैं ये 18 अणुभार को 18 ग्राम पानी मान लेते हैं। ओके, 18 किलोग्राम पानी। अब 18 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी 16 किलोग्राम। कैसे? जैसे कि 18 अणुभार पानी का होता है, उसमें से केवल ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो इस प्रकार अगर यदि हम इसे 18 को 18 किलोग्राम पानी मानेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 16 किलोग्राम। ओके, तो यदि 18 किलोग्राम पानी में 16 किलोग्राम ऑक्सीजन की मात्रा है तो 1 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 16 को किससे भाग दे देंगे? 16 को 18 से भाग देंगे। 16 को 18 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 1 किलोग्राम पे पानी की मात्रा मिलेगी। कैसे? यदि 18 किलोग्राम पानी पे 16 किलोग्राम ऑक्सीजन है तो 1 किलोग्राम पानी पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो उसको बोलते हैं 16 को 18 से भाग करेंगे, जितना भी आएगा वो हो जाएगा 1 किलोग्राम पर ऑक्सीजन की मात्रा। ओके, अब देखें हमें मिल गया क्या, 16 किससे भाग करें? 18 से। ये जितना भी आएगा इसका मान कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम पानी पे ऑक्सीजन की मात्रा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 90 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो सीधे से क्या करेंगे, 1 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को 90 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 को किससे भाग दिया? 18 से, इंटू 90 कितना हो जाएगा? 90 किलोग्राम पानी। इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और यह हो जाएगा 16 × 5 80 किलोग्राम पानी। इस प्रकार कितना निकलेगा, पानी की मात्रा 80 किलोग्राम पानी की मात्रा निकलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 80 किलोग्राम ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ओके सॉरी, 90 किलोग्राम पानी में कितनी होगी? 80 किलोग्राम ऑक्सीजन की मात्रा होगी। सो गाइस, इस तरह से सॉल्व किया जाता है अणुभार निकाल के, किसी भी एलिमेंट का प्रतिशत निकालना हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के दोनों समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार की छेद किए जाते हैं, सबसे पहला कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। कहने का मतलब है दो गुब्बारा है, एक में हाइड्रोजन और एक में हीलियम गैस भरी हुई है, और इन दोनों को एक समान भरी हुई, इन दोनों का अगर छेद करते हैं तो सबसे पहले कौन संकुचित होगा, या सबसे पहले किस गुब्बारे से हवा निकलेगी, गैस निकलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबसे पहले हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा क्या होगी, संकुचित होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हल्की रहती है और इसमें बहुत कम दबाव पड़ता है हीलियम की तुलना में, तो इसलिए हाइड्रोजन का भरा गुब्बारा सबसे पहले क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। देखिए क्या क्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 18 है, तो इसमें से कौन सा कण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑर्गन। ये देखिए जो 18 है ये क्या, जो नीचे में रहता है क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होती है, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या किससे बराबर रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 है, तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या, और ऊपर में जो रहता है वो परमाणु भार रहता है, तो ये किससे बनता है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अभी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। तो इस प्रकार इसको देख लेंगे, नीचे में जो रहता है परमाणु क्रमांक, ऊपर में परमाणु भार। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTP पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTP पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 6.023 × 10³। याद रखेंगे ये होता है गैस के एक अणु में 6.023 × 10³ परमाणु होते हैं। ओके, इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित, यहाँ हमेशा उसे
आकृति में परिवर्तन करने वाला पदार्थ कौन सा कहलाता है? तो कहलाता है ताप सुनमय, जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे जितनी भी मात्रा में गर्म करें या ठंडा करें, गर्म करने पर यह नर्म हो जाती है और ठंडा करने में कठोर हो जाती है, चाहे इस पर जितनी भी इस क्रिया को दोहराया जाए, इसलिए इसे ताप सुनमय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों से असामान्य रूप से अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन 4, हाइड्रोजन आबंध के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक क्या होता है? इन दोनों से अधिक होता है। ओके गाइस, देखिए जल में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं और सहसंयोजक बंध भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ पे चार धातु दिए हुए हैं, चारों में से सबसे कम गलनांक कौन सी धातु का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारद। पारद का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है दिए गए ऑप्शनों में से। ओके, क्रमशः इनका गलनांक देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें, सोने का गलनांक कितना होता है? तो 1063 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, चांदी का कितना होता है? 961 डिग्री सेल्सियस, और तांबे का होता है लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो पारा होता है, इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक होता है 38.86 डिग्री सेल्सियस होता है। ये होता है इसका गलनांक, इनमें से सबसे कम इसी का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल के जली विलयन का पीएच मान 2 है। ओके, उनमें निम्नलिखित मिलाने से उनका पीएच मान बढ़ जाएगा। देखिए एसिटिक विलयन है, उसका पीएच मान कितना है? 2 है मान लीजिए, और उसमें क्या चीज़ मिलाएंगे जिससे उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जली अमोनिया। ओके, जली अमोनिया मिलाने से एसिटिक अम्ल का पीएच मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके गाइस, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है एनालाइजर ऐप। यह ऐप आपके प्रयोगशाला एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज विथ हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। इस टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि इनके सभी प्रश्नों के आंसर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं। ओके, हाल ही में हुए CGPSC के एग्जाम से इसे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पे आए थे, और CMO से भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे थे। तो गाइस, एग्जाम के कट ऑफ को देखते हुए यह ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और जो बच्चे NTPC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस ऐप में फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी गई है। तो जाइए इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं, तो जितना से जितना हो सके इस ऐप का आप लाभ उठा लीजिए। ओके गाइस, ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जल में। ओके, श्वेत फास्फोरस को वायु के संपर्क में लाने से यह क्या होता है? स्वतः जल उठता है, इसलिए इसे जल में डुबो के रखा जाता है। यह जल में अघुलनशील भी होता है, यह भी याद रखेंगे, इसलिए इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। और देखिए केरोसिन में किसे रखा जाता है? तो केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ओके, क्या है ये सूची वाले क्वेश्चन है? सबसे पहले देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 देखते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन से एलिमेंट मिले रहते हैं? फिर सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जर्मन सिल्वर का क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या मिली रहती है? इसमें निकिल रहती है, निकिल के साथ कॉपर के साथ जिंक, ये याद रखेंगे। तो जर्मन सिल्वर का 2 हो जाएगा। उसके बाद बी देखते हैं, सोल्डरिंग जिसे बोलते हैं, सोल्डरिंग तार में क्या क्या रहती है? तो उसमें रहती है टीन। ओके, टीन के साथ लेड भी रहता है, यह भी याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें मिला रहता है क्लोरीन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन से मिलकर ब्लीचिंग पाउडर बनती है। और लास्ट देखते हैं हाइपो क्या रहता है? हाइपो में मिला रहता है आपके सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा 3। ओके, तो इस प्रकार सूची वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र HNO3 को रखा जा सकता है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को किसके बने बर्तन में रखा जा सकता है दिए गए ऑप्शन में से? ओके, इतने चार ऑप्शन हैं एलिमेंट के, इसमें किससे बने बर्तन में नाइट्रिक अम्ल को रखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, एल्यूमिनियम के बने बर्तन में इसे रखा जा सकता है। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है। देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा है उर्वरक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता, बाकी अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी का उपयोग उर्वरक खाद के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म करने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। चार ऑप्शन है, गर्म करने पर कौन सी तत्व धातु ऑक्साइड नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर, सिल्वर कार्बोनेट। क्या होता है, सिल्वर कार्बोनेट के गर्म करने पर यह ऑक्साइड नहीं बनाती। बाकी देखिए जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सभी क्या होते हैं अपने साथ गर्म करने पर या क्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती है, लेकिन याद रखेंगे सिल्वर कार्बोनेट यह ऑक्साइड नहीं बनाती। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है। क्या पूछा गया है, रेखीय अणु नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रेखीय अणु में नहीं बनाती, इसका जो अणु संरचना होती है यह कोणी होती है, याद रखेंगे इसकी अणु संरचना क्या होती है, कोणी या एंगुलर होती है। बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सभी क्या बनाते हैं, रेखीय अणु संरचना बनाती हैं, तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंगुलर संरचना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2O वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट को खाली स्थान कर देता है। देखिए H2O जो पानी होता है, पानी का वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट को कौन सा कलर बना देता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, नीला बना देता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट में पानी की मात्रा मिली रहती है, जिससे इसका कलर क्या होता है, नीली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन रासायनिक सूत्र वाले भी पूछे जाते हैं कभी कभी। देखिए रासायनिक सूत्र जिनके थोड़े टफ होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र अपेक्षाकृत थोड़े अधिक लंबे होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, इन सभी का आप रासायनिक सूत्र याद करके जाइए ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, CaSO4 into हाफ H2O, यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस। देखिए गैस क्या होता है, सामान्य गैस, सामान्य वायु में उपस्थित नहीं होने वाली तत्व तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, सामान्य वायु गैस के नमूने में उपस्थित नहीं होती। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए सामान्य वायु के नमूने में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैस भी रहते हैं, लेकिन क्लोरीन उपस्थित नहीं रहती सामान्यतः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का द्विअंगी या बाइनरी यौगिक है। किसका, सोडियम का द्विअंगी या बाइनरी यौगिक कौन सा कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, सोडियम नाइट्रेट सोडियम का बाइनरी यौगिक कहलाते हैं। ओके गाइस, याद रखेंगे सोडियम नाइट्रेट सोडियम का बाइनरी कंपाउंड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट का रंग होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रंग कौन सा होता है, तो उसका रंग होता है ऑप्शन टू, यह क्वेश्चन हो गया नीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए चार यौगिक दिए हैं आपके पास, इसमें से पूछा गया है कौन सा यौगिक किससे क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से HCl की क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, क्या निकलती है, इसे बनने वाली है 2NaCl बनती है, प्लस H2O पानी बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से HCl के क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।